हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CPAC एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके लिए सबसे पहले हम यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। यहां से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर सकते हैं। यहां पे जो फर्स्ट स्क्रीन जो आपकी खुल के आती है, ये इसको बोला जाता है स्प्रेडशीट, या वर्क एरिया भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर आपका स्क्रॉल होता है। अगर आपको अप एंड डाउन करना है तो आप यहाँ से स्क्रॉल से इसको अप एंड डाउन कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि ये जो कॉलम बने हुए हैं ये क्या है। तो दोस्तों, ये जो यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्स को कहा जाता है सेल। एक्सेल में काम करने के लिए सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ पर आप इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप इसमें कोई भी डेटा शीट बना सकते हैं, आप इसमें बिल बना सकते हैं, आप कोई भी काम इसमें इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर कि ए बी सी डी ई एफ जो भी ये है, ये क्या है, और 1 2 3 4 ये क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, इसको रॉ कहा जाता है, और ए बी सी डी ई एफ ये जो है, इनको कॉलम कहा जाता है। यानी कि रॉ और कॉलम को मिला करके जो ये बॉक्स बनता है, इस बॉक्स को कहा जाता है सेल। यानी इन दोनों रॉ और कॉलम को मिला करके सेल बनता है, और इसका जो एड्रेस होता है वो होता है रॉ का एड्रेस और कॉलम का एड्रेस मिला करके, यहाँ पर सेल एड्रेस इसको कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो इसका सेल एड्रेस है, तो यहाँ पे इसने लिखा दिया है C4, यानी कि इसका जो सेल एड्रेस है वो यहाँ पर C4 है। इस तरह से यहाँ पर ये आपका C और 4, तो ये इसका सेल एड्रेस C4 हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पर कि हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कितने रॉ और कितने कॉलम होते हैं। तो उसके लिए इस बटन पे आपको क्लिक करना है और दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है, तो यहाँ पे आपका शो हो जाता है कि कितने रॉ और कितने इसमें कॉलम होते हैं। तो यानी कि 1,048,576 रॉ एंड 16,384 इसमें कॉलम होते हैं। अगर मुझे लास्ट चेक करना है कि इसमें जो कॉलम होते हैं उसका एड्रेस क्या होता है, तो कंट्रोल दबा करके आप राइट एरो दबाना है, और राइट एरो प्रेस करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि जो इसका एड्रेस है वो है XFD। उसी तरह से अगर आपको रिटर्न आना है वापस, तो कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट एरो दबाएंगे और आप पहले नंबर पे आ जाते हैं। अगर आपको रॉ चेक करना है कितने रॉ इसमें होते हैं, तो आप कंट्रोल दबा करके डाउन एरो आप दबाएंगे, तो यहाँ पे जैसे आप डाउन एरो यहाँ पे प्रेस करते हैं, आपका यहाँ पर दिखा देता है 1,048,576। यानी कि दोस्तों, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में 10,48,576 रॉ होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। दोस्तों, जैसे मुझे यहाँ पर नेम लिखने हैं, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखना चाहता हूँ या फिर स्टूडेंट नेम लिखना चाहता हूँ, उसके लिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया सुरेश, और इसी तरह से बहुत सारे नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया। जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ ये अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से आएँ, यानी कि ये ए से लेकर के जेड के क्रम में आएँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर में। सॉर्ट एंड फिल्टर में जब आप जाते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सॉर्ट ए टू जेड। यानी अगर आप चाहते हैं ए से लेकर के जेड के क्रम में अगर ये नेम आए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पे, अब आंचल, दीपक, दीपिका, दिव्यांशु, हर्षित, काजल, इस तरह से ये नेम इस तरह से आ गए हैं, ये ए से लेकर जेड के क्रम में आ गए हैं। अगर मैं चाहता हूँ इनको दोबारा से सेलेक्ट करके और ये जेड से ए के क्रम में आए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर फिर क्लिक करना है सॉर्ट एंड फिल्टर में, और यहाँ पर जेड टू ए में क्लिक कर देंगे, तो यानी कि जेड से लेकर के ए के क्रम में ही आएंगे।
तो अभी आंचल पहले है, तो अब यहाँ पे आंचल लास्ट में चली गई, यानी कि सुरेश पहले आ गया, जो लास्ट था यानी जट के क्रम में ही पहले आ गई। तो ये होता है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर। साथ ही साथ फ्रेंड, अगर हमें देखना है यहाँ पे होता है आपका फाइंड एंड सेलेक्ट या फाइंड एंड रिप्लेस। अगर मुझे कोई भी डेटा ढूंढना है तो आप कंट्रोल के साथ F प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ फाइंड में क्लिक करके फाइंड में क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, और जो आपको ढूंढना है, यानी कि मुझे ढूंढना है पवन, तो PAWAN मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और फाइंड नेक्स्ट में क्लिक कर दूंगा, तो ये आपका यहाँ पे पवन, यानी कि इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से आप इसको फाइंड एंड रिप्लेस में भी कर सकते हैं। अगर इसको रिप्लेस करना है तो आप पवन की जगह और भी नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों, हम एक फॉर्मेट बनाते हैं और फिर जानते हैं मर्ज के बारे में और ग्रिड लाइन के बारे में। ग्रिड लाइन क्या होता है, मर्ज क्या काम करता है। इस तरह से मैंने यहाँ पे सारा टोटल लिख दिया है। ये जैसे डेटा हमने यहाँ पे बना दिया, अगर मुझे यहाँ पर मैं इसका प्रिंट देखना चाहूँगा, तो ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, इन लाइनों को बोला जाता है ग्रिड लाइन। ये काम करने के लिए होता है। आज मैं आपको केवल बेसिक एक्सेल के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से ग्रिड लाइन क्या होती है, रॉ कॉलम सेल एड्रेस, ये सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली नॉलेज आपको दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा उसमें आपको फॉर्मूला के बारे में बताया जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू देखूँगा, तो दोस्तों यहाँ पर जा कर के आपको प्रिंट में जाना है और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक कर देना है। जब आप प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रिंट में नहीं आ रही है, यानी कि जो लाइनें हैं वो प्रिंट में नहीं आती। तो ये ग्रिड लाइन होती है कि काम करने के लिए हमारे लिए होती है, ये प्रिंट में नहीं आती है। तो अगर आपको ये चाहते हैं आप ये प्रिंट में आए, तो उसके लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जहाँ तक आपका डेटा आप इसको चाहते हैं कि प्रिंट में आए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर में हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसमें ऑल बॉर्डर डालते हैं तो यहाँ पर आपका इस तरह से ये बॉर्डर आ जाता है। अब अगर मैं इसमें प्रिंट देखूँगा तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में गए तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आप लोगों का यहाँ पे इस तरह से आ गया है, यानी कि स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, प्लेस, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से दिख रही है। अगर यहाँ पर मैंने आपको बताया था मर्ज किस तरह से यहाँ पे मर्ज किया जा सकता है, तो मर्ज जो होता है, मर्ज ये होता है कि ये जो जितने भी अलग अलग सेल हैं इन सब सेल एक सेल में कन्वर्ट करने को, यानी मर्ज करने को यहाँ पे मर्ज वाला बटन, यानी ये वाला बटन आप इसका यूज़ कर सकते हैं मर्ज एंड सेंटर। जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग में लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे सिलेक्ट मैंने किया है और मर्ज एंड सेंटर में मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये पूरा एक ही सेल बन चुका है। मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा आपको, मैंने कंट्रोल प्लस जेड इसमें करते हैं तो ये कंट्रोल प्लस जेड से एंडो यहाँ पे हो जाता है, यानी कि बैक चला जाता है। तो अभी यहाँ पे ये सेल अलग है, ये सेल अलग है और ये सेल अलग है, प्रत्येक सेल अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट दोबारा से कर लेता हूँ और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में क्लिक कर देंगे। अब ये एक ही सेल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर डेटा डालना चाहूँगा कि मैंने एक डेटा डाल दिया मैंने यहाँ पे जो हेडिंग है हमारी वो मैंने लिखा CPEC कंप्यूटर स्टूडेंट्स लिस्ट। तो यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो सिलेक्ट करें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको बोल्ड करना है तो आप बी में क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस बी का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे ये वाली हेडिंग भी सिलेक्ट करके इस वाली हेडिंग को भी मुझे, अगर मैं सारा चाहता हूँ तो इस वाली हेडिंग को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसका इंक्रीज इसको कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये जो कॉलम है, इन कॉलम को अगर आपको बढ़ाना है, घटाना है, तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ से इस कॉलम को बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। जितना आपको बढ़ाना है, घटाना है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
मैं ये वाली हेडिंग सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑल बॉर्डर आप देंगे तो ये सारा ऑल बॉर्डर हो जाएगा। मैं इनका फॉन्ट अगर बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको दूर से दिखाई दे। और मैं चाहता हूँ इन फॉन्टों में कलर करना है, अगर मैं चाहता हूँ इसके पीछे कलर आए तो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे होता है फिल कलर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड कलर आपको जो डालना है वो कलर आप यहाँ पे डाल सकते हो। यानी कि मैंने यहाँ पे येलो कलर सिलेक्ट किया है। अगर इसमें भी मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा, ये इस तरह से इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं इसमें जो कलर यहाँ पे ये वाला कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। अब जो लिखा है यानी फॉन्ट का कलर, तो फॉन्ट का कलर जो यहाँ पे ए बना हुआ है ये टेक्स्ट कलर होता है, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कलर आपको, यानी कि मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया है तो रेड कलर में यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरह से यहाँ पे कर दूंगा। यानी मर्ज हमें पता लग चुका है। और हमें, मैंने आपको दोबारा से मैं एक बार बताता हूँ, अगर मुझे इंसर्ट करना है, एक कॉलम और चाहिए हम बीच में, तो आप यहाँ पे रेड क्लिक करेंगे और इंसर्ट में क्लिक कर देंगे, इस तरह से नया कॉलम यहाँ पे। अगर कोई डिलीट करना है तो यहीं पर ही आपको रेड क्लिक करना है और डिलीट में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हमारा यहाँ पे जो कलर आप इसमें डालना चाहते हो वो कलर डाल सकते हो और इस तरह से हमारा ये फॉर्मेट तैयार हो जाता है। और इसका प्रिंट एक बार चेक कर लेते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो हमारा इस तरह से ये तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आज केवल मैंने जो आपको बताया है वो बेसिक एक्सेल बताया, बहुत ही बेसिक, जिसमें मैंने आपको केवल रॉ कॉलम सेल एड्रेस स्प्रेडशीट के बारे में बताया है और इसमें आपको किस तरह से काम करना है, सेव कैसे करना है। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, सेव में क्लिक कर दिया और यहाँ पर हम इसको सेव कर सकते हैं। पर साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, आपने 2007 में काम किया लेकिन वो 2010 में नहीं ओपन हो पाएगा, उसके लिए आपको, या आपने 2010 में काम किया तो 2007 में ओपन नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करेंगे, लोअर वर्जन में खोलने के लिए आपको सेव में जाने के बाद यहाँ सेव एज में क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सेल 97 टू 2003 वर्कबुक, यानी कि ये एक्सेल 2007 है और हम चाहते हैं कि कोई लोअर वर्जन, इससे भी लोअर वर्जन कोई हो तो उस पे भी ये खुल जाए, उस पे भी ये ओपन हो जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सेल 97 टू 2003 यानी कि इनमें भी ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप इस फाइल को सेव कर लेंगे। इस तरह से मैंने डाल दिया CPEC4 के नाम से। और जहाँ मुझे सेव करना है, यानी कि मैं चाहता हूँ इसको डी ड्राइव में सेव करूँ, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है और सेव में क्लिक कर दिया है। तो आपको मैं एक बार दोबारा से क्लियर बता दूँ कि अगर आपको, चाहे वो एक्सेल 2010 हो, 15 हो, कोई भी हो, 19 हो, अगर आप ये चाहते हैं कि वो दूसरे कंप्यूटर में भी इससे लोअर वर्जन में खुल जाए, तो आप यहाँ पे जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके ही सेव करें ताकि आपका एक्सेल हर कंप्यूटर में खुल जाए, हर एक्सेल में खुल जाए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।